बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम मोहम्मद अरशद शहजाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अरशद। अजीज तलबा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द डिलाइट सॉन्ग, जो कि पोएम नंबर 17 यानी 17 है बुक थ्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश की, और इसको लिखा है एन स्कॉट ओमेडे ने। सब जिसका मतलब है द डिलाइट सॉन्ग, डिलाइट होती है खुशी, सॉन्ग गीत यानी खुशी का गीत। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा सेंट्रल आइडिया विद उर्दू ट्रांसलेशन। सो लेट्स स्टार्ट। The central idea of this poem is that a man is alive only when he can enjoy the beauty of nature and have good relations with others. नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि जो शख्स फितरत के मिशन से लुत्फ़अंदोज़ हो सके और दूसरों से अच्छे ताल्लुकात कायम रख सके, वही दरअसल जिंदा दिल होता है। A happy man is contented and full of life. एक खुश तबा इंसान हमेशा कनात पसंद होता है। A man is full of life if he is in good relation to all the beauty. All living things, the nature, the atmosphere and the natural phenomena of stars, wind, dawn, rain, moon, snow, etc. वो जिंदगी के जज्बे से भरपूर होता है, जिंदगी से भरपूर वही होता है जो तमाम हुसन, तमाम जिंदा चीज़ों, फितरत, मज़ाहिर फितरत, माहौल, फितरत के मज़ाहिर, मसलन सितारे, हवाएँ, सुबह का मंजर, बारिश, चांद और बर्फबारी से अपना ताल्लुक बरकरार रखता है। यानी इनसे ताल्लुक बरकरार रखने से मुराद इनकी खूबसूरती, इनके हुसन, इनके हुस्न जमाल से, फितरत से वो फ़ायदा उठाता है। सो लेट्स स्टार्ट। डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर उर्दू मीनिंग एज वेल एज देयर सिनोनियम्स। फीदर, पंख जिसे कलगी भी कहा जाता है, पर प्लम क्विल और समथिंग लाइट, रोल गर्दिश चक्कर, टर्न रोटेट और वायरल, शाइनिंग चमकना या रोशन होना, मुमताज या जहानत भी, स्पार्कलिंग ग्लीमिंग और ट्विंकलिंग, शेडो छाँव या साया, शेड ट्रेस और डिम रिफ्लेक्शन, लस्टर रौनक या चमक दमक, शाइन ग्लो ग्लीम और स्पार्कल एसेट्रा, मेडोज सब्जाजार या चरागा, फील्ड और ग्रास लैंड या पास्चर, क्लस्टर झुंड झुरमट या होल, बंच और कलेक्शन और कंपनी, बीट्स दाना यानी दाना या शबनम का कतरा या मनका भी कहते हैं, पर्ल ड्रॉप ऑफ ड्यू समथिंग राउंड, डान तड़का यानी शुभ 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 सवेरे, फजर पहल, डे ब्रेक लाइट, बिगिन सनराइज, रिलेशन रिश्तेदारी ताल्लुक या वास्ता, एसोसिएशन अलाइव और लिंकिंग, फ्रूटफुल जरखेज फल देने वाला, फर्टाइल
यूजफुल, प्रोडक्टिव और इफेक्टिव। ग्लिटर, चमक दमक, लाइट और शाइन। जी, अब चलते हैं ट्रांसलेशन और साथ रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। अजीज तलबा, याद रखें कि उर्दू तर्जमा सिर्फ समझने के लिए किया जा रहा है, इम्तिहान में उर्दू तर्जमा लिखना ज़रूरी नहीं होता। आई एम अ फीडर ऑन द ब्राइट स्काई, मैं महसूस करता हूँ कि रोशन आसमान पर मैं एक तैरता हुआ पार हूँ। आई एम द ब्लू हॉर्स दैट रन्स इन द प्लेन, मैं एक नीले रंग का घोड़ा हूँ जो मैदानों में दौड़ता फिरता है। आई एम द फिश दैट रोल्स शाइनिंग इन द वाटर, मैं एक मछली हूँ जो पानी में चमकती है और लुटती पोड़ती है, यानी इधर उधर आती जाती चमकती है। आई एम द शेडो दैट फॉलो अ चाइल्ड, मैं एक साया हूँ जो बच्चे के पीछे पीछे चलता है। आई एम द इवनिंग लाइट द लस्टर ऑफ मैडोज, मैं शाम की रोशनी हूँ, चिरागाहों की रौनक हूँ। मैं शाम की रोशनी हूँ और चिरागाहों की रौनक हूँ। आई एम द ईगल प्लेइंग विद द विंड, मैं हवाओं से खेलता हुआ एक उकाब हूँ। आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, मैं चमकदार मोतियों का एक गुच्छा हूँ। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम द डिलाइट सॉन्ग रिटन बाय एंड स्कॉट मोबेड। कॉन्टेक्स्ट, इन दिस पोएम द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द क्वालिटीज ऑफ अ मैन हु इज फुल ऑफ लाइफ। अ मैन इज फुल ऑफ लाइफ इफ ही इज कंटेंट, हैप्पी एंड कनेक्टेड टू हिज सराउंडिंग। ही इंजॉयज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड हैव गुड रिलेशंस विद हिज फेलो बीइंग्स। एक्सप्लेनेशन, In the given lines, the poet tells us about a man who claims to be alive, not drained. A man who is full of life feels as light as a feather in the sky. He imagines that he is as free as a blue horse running about in the open field. He compares himself to an active fish that rolls about shining in the water. He says that he follows the children like a shadow to share their innocent joys. He feels that he is the evening light that brightens the meadow. He feels like a powerful, free eagle flying in the open sky. He claims to be a cluster of bright beads, as connected with others as those beads. Stanza number 2. I am the farther star. आई एम दी फॉरदेस्ट स्टार, मैं दूर दराज चमकने वाला एक सितारा हूँ। आई एम दी कोल्ड ऑफ द डॉन, मैं सुबह की खुशगवार ठंडक हूँ। आई एम दी रोरिंग ऑफ द रेन, मैं बारिश का शोर हूँ। आई एम दी ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, मैं बर्फानी चोटियों की चमक हूँ। आई एम दी लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन अ लेक, मैं झील में एक रास्ता हूँ जिस पर चांद चलता है। आई एम दी फ्लेम ऑफ फोर कलर्स, मैं चार रंगों का शोला हूँ। आई एम दी होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, मैं इन तमाम चीज़ों का एक मुकम्मल
मजमूमा हूँ। रेफरेंस: दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम द डिलाइट सॉन्ग बाय एन स्कॉट ममेड। कॉन्टेक्स्ट: इन दिस पोएम द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द क्वालिटीज ऑफ अ मैन हु इज फुल ऑफ लाइफ। A man is full of life if he is content, happy, and connected to his surroundings. He enjoys the beauty of nature and have good relation with his fellow being. Explanation: in the given lines, the poet tells us more about the man who claims to be alive. A man who is full of life feels like a star shining far in the open sky. When it is done, he enjoys the cool atmosphere. When it is raining, he finds music in the roaring of the cloud. He feels as if he were giving glittering light to the snow on the mountain. Looking at the shadow of the moon in the lake, he feels that he is that moon. He thinks he is a flame of four colors. In short, he imagines himself to be the reflection of all beautiful and bright things. Stanza number 3. You see, I am alive. तुम देखते हो, मैं जिंदा हूँ. I stand in good relation to the earth. मेरा ज़मीन से खुशगवार ताल्लुक कायम है. I stand in good relation to the lords. मेरा अपने बुजुर्गों से खुशगवार ताल्लुक कायम है. I stand in good relation to all that is beautiful. मेरा तमाम खूबसूरत चीज़ों से रिश्ता बरकरार है. आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू ऑल दैट इज फ्रूटफुल. मेरा तमाम मुफीद चीज़ों के साथ ताल्लुक कायम है. आई एम अलाइव. तुम देखते हो कि ये इस बात का सबूत है कि मैं जिंदा हूँ. रेफरेंस: These lines have been taken from the poem The Delight Song by N. Scott Mamed. Context: in the given lines, the poet throws light on the qualities of a man who is full of life. In this poem, the poet throws light on the qualities of a man who is full of life, who has a spirit to lead a simple life. A man is full of life if he is contented, happy, and connected to his surrounding. He enjoys the beauty of nature and have good relations with his fellow beings. Explanation: in the given lines, the poet tells us more about a man who claims to be alive. A man who is full of life always has good relation with the earth. He has good links with higher powers. He is interested in all beautiful things. He appreciates all those things which are useful for a human being. He says that is the proof that he is alive. A dead person cannot enjoy the brightness and beauty in things around. The repetition of words in these lines is very remarkable. This shows the poet's belief in what he says.
Dear students, I hope you have understood all these things which I have shared with you. And this is the theme, you can study it. And this is glossary. So let's start now the answer question. Question number one. What do you understand when the poet says, I am the shadow that follows a child? जब शायर कहता है मैं एक साया हूँ जो बच्चे के पीछे भी चलता है, तो आप इससे क्या मुराद लेते हैं? In a delightful mood, when the poet says, I am the shadow that follows a child, he means to say that he follows the children like a shadow to share their innocent enjoy. खुशी के मिजाज में जब शायर कहता है कि मैं एक साया हूँ जो बच्चे के पीछे पीछे चलता है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि वो बच्चों के पीछे पीछे साए की तरह इनकी मासूम खुशियों में हिस्सा लेने के लिए चलता है. क्वेश्चन नंबर टू. हाउ कैन द क्रस्ट ऑफ द स्नो ग्लिटर? बर्फ की चोटी कैसे चमक सकती है? When the sunshine falls on the crust of the snow, it glitters. The poet feels as if he were giving glittering light to the snow on the mountain. He imagines himself to be reflection of all beautiful and bright things. जब सूरज की रोशनी बर्फ की सख्त तह पर पड़ती है तो ये चमकती है. शायद महसूस करता है जैसा कि वो पहाड़ पर बर्फ को चमकने वाली रोशनी दे रहा हो. वो अपने आप को तमाम खूबसूरत और चमकदार चीज़ों का अक्स तसव्वुर करता है. व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द पोएट? शायर का ख्वाब क्या है? द पोएट्स ड्रीम इज द ड्रीम ऑफ ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल कलर्स दैट ग्लिटर, द रेन एंड गुड रिलेशंस with the fellow beings and God. शायर का ख्वाब तमाम चमकदार और खूबसूरत चीज़ों का ख्वाब है, तमाम रंगों का ख्वाब है, और गॉड और इंसान जो बारिश को, और वो तमाम रंगों का ख्वाब है जो बारिश को चमकाते हैं, और अपने साथ यानी साथी इंसानों के साथ और अल्लाह ताला के साथ अच्छे ताल्लुकात और ख्वाब शायर का ख्वाब है. क्वेश्चन फोर. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैन्स गुड रिलेशन विद द अर्थ एंड द लॉर्ड? जमीन और बर्तर कुवतों इन अल्लाह ताला के साथ इंसान के अच्छे ताल्लुकात का क्या असर होता है? बाय लॉर्ड्स द पोएट मीन्स हायर पावर्स. लॉर्ड्स से शायर की मुराद बर्तर कुवते हैं, यहाँ मुराद अल्लाह ताला की ज़ात. The reference is to God. हवाला खुदा ताला की तरफ है. If a man is in good relations with the earth and has trust in God, he can lead a happy life. अगर इंसान के ज़मीन यानी मखलूक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और अल्लाह ताला पर इसका भरोसा भी है, तो वो अच्छी और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार सकता है. Question number five. What are the things That keep a person alive? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी शख्स को ज़िंदा रखती हैं? Man's good relation with beauty, living things, nature, the atmosphere and the natural phenomena of stars, wind, rain, moon, snow and God's grace are the things which can keep a man active and alive. इंसान के खूबसूरती, जिंदा चीज़ों, फितरत, माहौल और फितरत के मज़ाहिर, सितारे, हवा, बारिश, चांद, बर्फ़ और अल्लाह ताला की शान के साथ अच्छे ताल्लुकात, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को मुस्तैद यानी चुस्त और चालाक और ज़िंदा रखती हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स. व्हाट इज़ द पोएट्स मोड इन दिस पोएम
मूड ऑफ होप और मूड ऑफ डिस्पेयर। इस अंदर में शायर का मजाज कैसा है, या उम्मीद का मजाज या मायूसी का मजाज कैसा है? इस नज़म में बाय अ रीडिंग ऑफ द पोएम वी गेट द आइडिया दैट द पोएट इज एन ऑप्टिमिस्ट। नज़म पढ़ने से हमें ये बात समझ आती है कि शायर रोशन ख्याल है। ही लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, वो जिंदगी के रोशन पहलुओं को देखता है। ही लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, ही फाइंड्स डिलाइट इन एवरीथिंग, वो हर चीज़ से खुशी हासिल करता है या तलाश करता है। ही इज वेशियस एंड फुल ऑफ लाइफ, वो जिंदा दिल और जिंदगी से भरपूर है। ही फाइंड्स नो हर्डल्स और डिफिकल्टीज एनी वेयर इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात में से कहीं भी कोई रुकावटें या मुश्किलात नज़र नहीं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन योर ओपिनियन इन अ फ्यू सेंटेंसेज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द पोएम। द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम इज दैट अ मैन इज अलाइव ओनली व्हेन ही कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड हैव गुड रिलेशंस विद अदर्स। अ हैप्पी मैन इज कंटेंटेड एंड फुल ऑफ लाइफ। अ मैन इज फुल ऑफ लाइफ इफ ही इज एंड ही इज अ गुड relation to all phenomena of nature. So dear students, I hope you have got everything shared with you by me. तो अगर आपका कोई question हो तो आप question screen पे number आ रहा है इसको, इससे आप WhatsApp या description में message करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो भी शेयर कर सकते हैं। और ये कहकर मैं इख्तिताम चाहूँगा कि इंग्लिश विदर्शित को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।